कहेंगे तो वो भी हम रिवाइज कर लेंगे, कुछ हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स हैं वो भी कवर अप कर लेंगे। अच्छा जी, CSV फाइल्स क्या होती हैं? ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, लेकिन इसके अंदर हर वर्ड जो है वो कॉमा सेपरेटेड होता है, यानी स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये जो हमें यहाँ नजर आ रही है एक्सेल की शक्ल में, ईयर इवेंट विनर, हमें इसमें रॉज एंड कॉलम्स भी नजर आती हैं, टेबुलर फॉर्म में नजर आता है। लेकिन जब इस एक्सेल को मैं CSV फॉर्मेट में रीड करूँ तो हमारे पास ये हर वैल्यू जो है वो कॉमा सेपरेटेड हो जाती है। ठीक है, यानी कि एक वैल्यू का एंड होना कॉमे से जो है ना पता चलता है, सेपरेटर जो है वो कॉमा होता है। तो इसको रीड करें तो हमारे पास ये इस फॉर्म के अंदर जो है वो नजर आती है। ठीक है, तो ईच रो स्प्रेड इन अ सेपरेट लाइन CSV फाइल। ठीक है, टू वर्क विद द CSV फाइल पाइथन प्रोग्राम यू बिगिन इंपोर्टिंग CSV मॉड्यूल जो है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता पाइथन के अंदर रहते हुए। CSV फाइल को जो है ना वो उस पर काम करना, ये हमारे पास क्या होता है, इम्पोर्ट CSV करना पड़ता है। पिछली दफा हमने ओपन का फंक्शन पढ़ा था तो हमारे पास उसके अंदर जो है ये रीड राइट हमने किया था, लेकिन वो सारी की सारी हमारे पास टेक्स्ट फाइल थी। ठीक है, तो अब हम किसी फाइल को बना लेते हैं, CSV फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं और उसको अपने पास जो है ना वो सर, एक्सेल में रीड कहेगा करके भी कि देखते हैं। जी एक्सेल में जी कहेगा कि फाइल्स को भी इंपोर्ट करने के लिए हमें CSV ही पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। जी हाँ जी हाँ ठीक है, तो हम एक CSV फाइल बनाते। सर अगर कोई जी फील्ड जी में ऐसा टेक्स्ट लिखा हुआ है जिसके अंदर ऑलरेडी कॉमा है मौजूद, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं करेगा CSV फॉर्मेट को जब हम वो कहने के उसकी डेटा कन्वर्जन करेंगे? असल में उसके अंदर जब आप CSV फाइल या एक्सेल फाइल रीड कर रहे होंगे, ठीक है ना, जैसे किसी जिस तरह आप सही कह रहे हैं कि वहाँ पर हमारे पास जो है ना दो दो कॉमाज आ गए, कुछ आ गए, तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा, हमें उसकी कॉमा को जो है ना रिप्लेस करना पड़ेगा, या अपना जो डेलिमीटर है सेपरेटर है इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और या हमें जो वहाँ डैश प्लेस करना पड़ेगा, ये समथिंग आपको कुछ ना कुछ जो है ना फिर उसके साथ मैनिपुलेशन करनी पड़ेगी ताकि दोनों जो है वो अलग आइडेंटिफाई हो जाएं। तो अभी करके देखते हैं उसको, एक CSV फाइल बनाते हैं। हमारे पास अगर मैं देखूं तो CSV फाइल मौजूद है, होती है मौजूद डेस्कटॉप पे हमारे पास CSV फॉर्मेट में। हाँ, ये फाइल पड़ी है मेरे पास। ठीक है, कस्टमर्स डॉट सी एस वी और एड इंड क्लिक्स डॉट सी एस वी, इसको मैं लोड कर लेता हूँ अपने वर्किंग। तो आपके पास ये फाइल और ये फाइल मैंने दोनों जो है वो लोड कर ली। तो इंपोर्ट CSV, ठीक है ना, इंपोर्ट हो गई हमारे पास विद ओपन, और हमारी फाइल का नाम क्या था अभी, कस्टमर्स डॉट CSV एक्सटेंशन के साथ हमने इसको कह दिया अभी। ठीक है, कंटेंट में हम ले लेते हैं सी डॉट रीड, और फिर मैं उसके कंटेंट को प्रिंट करा लेता हूँ। तो मेरे पास जो है वो ये आपके पास पूरी जो CSV फाइल थी वो यहाँ पे रीड हो गई। अच्छा, क्योंकि ये फाइल थी ही CSV में तो कोई मसला नहीं था, अगर एक्सेल फाइल होती तो वो भी फिर कन्वर्ट हो जाती CSV फाइल के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, तो ये अभी तो हमने सिर्फ क्या कर लिया विद ओपन से, हमने क्या कर लिया कि जो भी हमारी फाइल थी हमने उसको रीड कर लिया। यहाँ पर एक फंक्शन CSV का इस्तेमाल हुआ है, दैट इज CSV रीडर। हमने तो सिंपली जो है वो रीड का फंक्शन इस्तेमाल कर लिया उसने, तो रीड कर दिया। अब मैं इसी चीज को क्या करता हूँ, CSV रीडर के थ्रू यूज करता हूँ।
तो कंटेंट में क्या हो जाएगा, अभी हमारे पास सीएसवी जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है, अब हम सीएसवी का फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने इंपोर्ट किया है ना, इस सीएसवी का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सीएसवी, और हमारे पास क्या है अभी, इंपोर्ट रीडर, सीएसवी का रीडर फंक्शन, और उसको ये अपना जो हैंडलर है ये प्रोवाइड कर देंगे। तो आपके पास ये कंटेंट के अंदर जो है ये चीज आ गई। अब जो हमारे पास डेटा आया वो अभी हमारे पास ये क्या दिखा रहा है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो गया, ठीक है, जब हम रीड कर रहे हैं। अच्छा, अब रीडिंग कैसे करनी है उसकी, हमने कंटेंट सीएसवी रीडर के थ्रू उठाया, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब उस ऑब्जेक्ट में से आप क्या करेंगे, फॉर लूप लगा के कंटेंट्स को जो है वो किसी, जैसे इधर इन्होंने लिस्ट के अंदर डाला, हम भी क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसी जगह पे, मैं क्या करता हूँ, कंटेंट हमने रीड कर लिया, कंटेंट रीड के बाद हम इसी फंक्शन के अंदर हम भी यहाँ पर जो है एक लिस्ट बना लेते हैं। अच्छा, हम क्या करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये कंटेंट जो है वो कंटेंट में इसमें आ गया, एक हमने एम्प्टी लिस्ट बना ली, कंटेंट्स को उठाएगा और उसके ऊपर जो है वो लूपिंग के थ्रू ईच लाइन जो है वो आपको पॉर्टर के अंदर जाके अपेंड कराता रहेगा, ठीक है, पॉर्टर कंपटीशन। अब हमारा तो कंपटीशन, ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, नाम चेंज कर रहा हूँ कस्टमर्स के, जैसा ही करूँ, ठीक है, वो मसला नहीं, कस्टमर्स और कस्टमर्स, ठीक है, क्या हो गया, कंटेंट्स इज नॉट डिफाइंड, कंटेंट्स कहाँ, अभी कंटेंट्स एस लगा दो उसमें, ये हो गया। अब हम देखते हैं हमारी कस्टमर्स की लिस्ट है उसके अंदर जो है वो क्या क्या आ गया, ठीक है, सारा डाटा जो है वो हमारे पास क्या आ गया, पहली जो लिस्ट है वो आपके पास हेडर्स हो गए, पहली रॉ, फिर उसके बाद पहली रॉ में ये डाटा, दूसरा रिकॉर्ड ये वाला, तीसरा रिकॉर्ड जो है वो ये वाला, वही डाटा है जो हमने सीएसवी रीडर के थ्रू उठाया, रीडर हमें रिटर्न ऑब्जेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर से हमें फॉर लूप के थ्रू जो है हम वैल्यू जो है वो उठा रहे हैं। कोई सिंपल सा फॉर्मेट है, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया है रीड करना, तो हमें इसी परेशानी नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरह हमारे पास आउटपुट आ गया, ईयर इवेंट विनर, और इस तरह ये चलता रहा। अब क्या है, सी एस पिकिंग इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ देम, उस सीएसवी फाइल्स में से इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे निकालेंगे, जैसे ये हमारा सीएसवी फाइल है ईयर इवेंट विनर, ठीक है, इस फाइल के अंदर से क्या करना है हमने, यूजिंग अ फंक्शन सीएसवी मॉड्यूल कॉल रीडर, वी रीड द कंटेंट्स ऑफ द फाइल लूपिंग थ्रू लाइन बाय लाइन, वी ट्रांसलेटेड द कंटेंट ऑफ इन द लिस्ट, ओके, सपोज अ यूजर वांट टू एंटर द नेम ऑफ द कंपटीशन टू फाइंड आउट द विनर, वी कैन यूज अ लिस्ट टू डू इट। अब क्या कर रहे हैं, लिस्ट आ गई आपके पास, आपने इंडेक्स दे दिया, आपके पास जो है वो रिटर्न हो गया, ठीक है। अच्छा, किसी पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स जो है वो हमें पता, हम कैसे मालूम कर लेते हैं, डॉट इंडेक्स से मालूम कर लेते हैं। अच्छा, उस ये सारा लिस्ट वाला खेल है जो हमें मालूम है, ठीक है, तो हम कोई ले सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, इनपुट ले लिया, अभी टारगेट क्या है, इंडेक्स नंबर ऑफ टारगेट, उस टारगेट को फाइंड किया, उसका इंडेक्स क्या आ रहा है, टारगेट प्लस वन, अब ये विनर का इंडेक्स, कोड समझ में आ रहा है सबको, सिंपल सा कोड हुआ हुआ, थोड़ा फॉर्मेटिंग जो है मजेदार नहीं होती तो उसमें अजीब लग रहा होगा। अच्छा जी, मैं आगे चलता हूँ, कोई ऐसी नई बात जो हमें सीएसवी में और देखनी, ठीक है, लोडिंग इंफॉर्मेशन इनटू देम, हम सीएसवी में राइट कैसे कराएं, रीड तो हमने कर लिया, हमारा कंटेंट रीड आके लिस्ट के फॉर्म में आ गया, लिस्ट में हमें ढूंढना आता है, स्लाइस करना आता है और सारी चीजें करनी आती है,
सीएसवी में राइड कराऊंगा तो क्या करूंगा, ठीक है। देखिए क्या है, क्या अभी इम्पोर्ट सीएसवी दो हुआ, वॉट एवर डॉट सीएसवी राइड का हमने जो है वो ऑपरेटर यूज किया, यहाँ पर मूड यूज किया और हमने यहाँ दे दिया न्यू लाइन को, हमने एम टी दे दिया, ठीक है। न्यू लाइन में हमने कुछ नहीं दिया, ये क्या कर रहा है, दिस स्टेटमेंट ओपन द फाइल, यू कैन राइट टू इट विद द सिमिलर कोड यू लर्न ओपन टेक्स्ट फाइल, जिस तरह टेक्स्ट फाइल खुलते थे, बिगन विद ओपन वन। उसके बाद क्या किया हमने सर, ये जब हम राइट करेंगे तो इसमें हम न्यू फाइल्स भी बना सकते हैं साथ ही एक्सेल में या वर्ड में कुछ इस तरह से? ये हमने पढ़ा था ना कि हम डब्ल्यू का जब पैरामीटर होता है तो वो डब्ल्यू पैरामीटर क्या करता है, फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं भी करती तो क्रिएट कर देता, तो ये नई फाइल अगर फाइल एग्जिस्ट करेगी तो उस फाइल के डेटा को ओवरराइट कर देगा, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर इस नाम की फाइल जो है वो क्रिएट कर देगा। सर ये तो सीएसवी में बनाएगा ना, लेकिन अगर एक्सेल में बनानी है या वर्ड में बनानी है तो फिर उसको आपको दोबारा इंपोर्ट करनी पड़ेगी, सीएसवी में आप राइट कराएंगे, अब डायरेक्ट एक्सेल की फाइल यहाँ कैसे क्रिएट करेंगे, आप तो टेक्स्ट की फॉर्म में भेजेंगे ना, टेबल तो नहीं भेज सकते, रॉ और कॉलम तो यहाँ से नहीं भेज सकते ना, मतलब सर एक्सेल की फाइल डायरेक्ट यहाँ से नहीं बन सकती पाइथन में? जी हाँ, ओके सर, ठीक है। तो आप अभी इस पैरामीटर को समझते हैं, न्यू लाइन का जो पैरामीटर है ये क्या करता है, ठीक है। There is something new, that is new line. क्या ये new line is a technical requirement. At this point, there is no need to understand it. Just remember it included. अभी क्या कह रहे हैं, एक पैरामीटर है, अभी आप इसको छोड़ दें कि न्यू लाइन क्या करता है, पहले हम सीएसवी राइड कराते हैं। चलो क्या करना हमने, विद ओपन के बाद हमने कह दिया भी माय सीएसवी हमारी फाइल है, माय फाइल डॉट सीएसवी, ठीक है। इसके अंदर मैंने पैरामीटर जो है वो मूव राइट का दे दिया, ठीक है, और ये न्यू लाइन जो है वो भी हमने क्या देना है इसको राइट करने में क्या क्या सीन हो रहा है, ठीक है जी, राइट करने में आपने क्या किया, सीएसवी राइटर इस्तेमाल किया, सीएसवी राइटर को हम डेटा पास करेंगे, जैसे हम रीड कर रहे थे राइट, हम टेक्स्ट आते थे तो डायरेक्ट राइट सी एस वी राइटर दिया, ठीक है। सी एस वी राइटर को हम क्या क्या दे रहे हैं, अपना हैंडलर दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हमारा डेलिमीटर जो है वो क्या है, कॉमा है, यानी कॉमा सेपरेटेड होगा, अब मैं जो भी कुछ लिखूंगा उसमें जहां जहां कॉमा आता जाएगा वो उसको फिर नेक्स्ट वैल्यू में लेता जाएगा। The reason you speak of CSV files are named for comma separated values. So the separator of the element can be depth, tab भी हो सकते हैं, carats भी हो सकते हैं। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, हम एक handler है, इसमें writer बना लिया है, हैंडलर बनाया सी एस पी राइटर इस्तेमाल किया और हमारा जो हैंडल है ये माया है और डेलीमीटर दे दिया, ठीक है। ये पैरामीटर समझ में आ रहे हैं, सी एस पी राइटर का फंक्शन, वो हमसे क्या क्या चीजें मांग रहा है, ठीक है, वो हमसे फाइल का ऑब्जेक्ट मांग रहा है, ये हमारा फाइल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हमसे क्या मांग रहा है, हमसे डेलीमीटर, ठीक है। अब क्या चीजें हमने क्या करना है, एग्जाम्पल तो नहीं है इसकी, नेक्स्ट, अब हैंडलर तो हमारे पास बन गया, हमने ये हैंडलर बना दिया इसको, अब इस हैंडलर के थ्रू मैं क्या करूंगा, राइट रो,
एक एक रॉ जो है वो मैं राइट कराता जाऊंगा एज अ डेटा, ठीक है। हैंडलर को बोला राइट रॉ करो, ये पहली रॉ हो गई, फिर मैं डेटा और राइट करा रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ईयर 2020 इवेंट, ठीक है, कोई भी इवेंट कह देता हूँ, अभी बर्थडे इवेंट हो गया, ठीक है, चलो उसको वर्ल्ड कप कह देते हैं क्योंकि विनर और सारी चीजें आ रही है, ठीक है। और विनर हमने कह दिया भाई, क्रिकेट वर्ल्ड कप कह देना चाहिए, जी इंग्लैंड हो गया, ठीक है। और डेटा डालते रहे, आपकी दफा ईयर मैंने कहा जी 2010, इवेंट मैंने कह दिया भाई हॉकी वर्ल्ड कप, और विनर कौन हो गया, ठीक है। अब ये मैंने कुछ एक मैंने ये अपना हेडर लगाया और उसके बाद मैं मुख्तलिफ ऐड कराता जा रहा हूँ। हम डाल कोई ऐड करा दिया, या मैं डाटा के लिए चेंज कर देता हूँ कुछ, सर जो पहली लाइन होगी वो हमेशा हेडर ही होगी। नहीं हम तो सीएसवी फाइल में राइट करा, हमारी सीएसवी फाइल को नहीं पता कि पहली लाइन में वो हमारा हेडर है, उसको उसको तो समझ में आ रहा है कि एक रिकॉर्ड है, लेकिन जब हम इसको लोड करेंगे एक्सेल में देखेंगे या फंड फ्रेम में देखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, हमारे लिए कॉलम का नाम बन जाएगा, ये हमें मालूम है कि कॉलम का नाम, वो तो इसको क्या समझ रहा है बस लिखवा दो, ठीक है, उसको कोई कंसर्न नहीं है इससे कि क्या चीज़ है, ठीक है। तो सर ये तो जिस तरतीब से हम लिखेंगे वैसे ही आता जाएगा ना, ऐड होता जाएगा। जाहिर है, और आप कैसे चाह रहे हैं कि वो कहाँ जाए, जिस तरतीब से लिखेंगे वैसे ही जाएगा ना, और क्या होना चाहिए, कुछ और होना चाहिए। अब ये मेरी फाइल माई फाइल डॉट सी एस वी बन गई, इसको अब मैं रीड करके चेक करता हूँ विद ओपन, क्या करूँगा, हमारी फाइल का नाम है माई फाइल डॉट सी एस वी, ठीक है। रीड के लिए मैं उसको कुछ भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है अभी रीड, ठीक। मैं इसको अगर टेक्स्ट फाइल की तरह रीड करूंगा तो ये सारा टेक्स्ट की शक्ल में आ जाएगा, अगर मैं इसको सी एस वी रीडर से रीड करूंगा तो मुझे पता है मुझे उसके ऊपर फिर फॉर लूप करके उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करना, दोनों कर लेते हैं, अभी हमने ऊपर भी दोनों किया था कि मैं इसको कह देता हूँ कि भाई ये डेटा है, या डेटा ही कह देते हैं डेटा। अब सी एस वी फाइल को मैं टेक्स्ट की तरह रीड कर रहा हूँ तो है तो सारा टेक्स्ट ही पड़ा उसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा अभी, ऑब्जेक्ट डॉट रीड, ऑब्जेक्ट से कहा आप इसको रीड कर दो, और फिर आखिर में मैंने कहा यार जरा शो करा दो क्या आ गया, ये हमारे पास जो है ना वो ईयर इवेंट विनर, नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ ये लिखा हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ ये लिखा हुआ, फिर नेक्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ, जितनी लाइंस हमने ऐड की हैं वो सारी आ गई। अच्छा अब इसी काम को अगर मैं सीएसवी रीडर से करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा अभी, सीएसवी डॉट रीडर, रीडर मैंने कह दिया भाई इस ऑब्जेक्ट को रीड करो, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या करना है भाई, मुझे अब फॉर लूप लगाना है, ठीक है, जो आपके डेटा में से उठाएगा रिकॉर्ड्स इन डेटा, ठीक है, ये रिकॉर्ड्स चाहूँ तो मैं ही कहीं लिस्ट में भेज सकता हूँ, चाहूँ तो इन रिकॉर्ड्स को जो है सिर्फ डायरेक्टली यहाँ पर क्या करता रहूँ प्रिंट कराता रहूँ, जितनी बार होंगे तो हमारे पास रिकॉर्ड जो है वो प्रिंट होके आ गया, ठीक हो गया। तो अब ये हमने फाइल में राइट भी कराया और उसको
रीड भी कराया। ठीक है, अच्छा जी, अपेंडिंग अपेंड करना बिल्कुल वैसे ही है। अगर मैं दोबारा इस फाइल को जाऊंगा लिखने के लिए तो मुझे पता है सारी फाइल क्या हो जाएगी, ओवरराइट हो जाएगी। ठीक है, डब्ल्यू से करूंगा दोबारा इस फाइल में लिखने के लिए तो ओवरराइट हो जाएगी। मुझे क्या करना चाहिए, अपेंड जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, तो मैं अपेंड करा सकता हूँ। सबको ये अपेंड तो याद है ना, ठीक है। अब उसी फाइल को जो CSV है मैं इसको एक्सेल में अगर ओपन करूंगा तो मेरे पास जो है ना वो कैसी नजर आएगी ये हम देखते हैं। मैं यहाँ पर मेरी फाइल जो है क्रिएट हुई है, ये myfile.csv मैंने यहाँ पर लोड कराया तो एक्सेल में हमारे पास ये फाइल आ गई। ठीक है भाई, तो वो जो सवाल पूछ रहे थे कि भाई एक्सेल में कैसे भेजूंगा, तो वो आपको CSV ही भेजना पड़ेगा और उस CSV डेटा को आप ज़रा एक्सेल में खोलेंगे तो वो आपके पास ओपन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अच्छा जी सर, ये जो सारी आपने जैसे लिस्ट के अंदर रिकॉर्ड्स को सेव किया है तो ये पूरा जो एक ऑब्जेक्ट कहलाएगा या डिक्शनरी कहलाएगी या ये डेटा टाइप क्या कहलाएगी इसकी? ये जो रिकॉर्ड्स मैंने रिट्रीव किए असल में ये इसने जो है हमें क्या दिया, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है डेटा के अंदर। डेटा की अगर टाइप चेक करूंगा तो वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट है। उस ऑब्जेक्ट से जब मैं एक एक रिकॉर्ड निकाल रहा हूँ तो वो मुझे किस फॉर्म में मिल रहा है, मुझे लिस्ट की फॉर्म में मिल रहा है। ठीक है, हर रिकॉर्ड जो है वो एक लिस्ट की फॉर्म में मिल रहा है। अच्छा, मतलब यानी हमने जो डेटा टाइप सीखी थी ये डेटा टाइप से हटके एक ऑब्जेक्ट एक अलग चीज कह रहे हैं। जी हाँ, ऑब्जेक्ट जो होता है ना, डिक्शनरी। जी हाँ, डिक्शनरी भी होती है तो वो भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है, हर चीज ऑब्जेक्ट है पाइथन में। तो ये ऑब्जेक्ट है जिसके साथ इतनी सारी जो है ना वैल्यूज अटैच हैं, तो वह हम बारी बारी जो है उससे गेट कर रहे हैं। इसको लिस्ट में शो नहीं करा सकते? इसको लिस्ट में शो कराना है तो आप इसको यहाँ पर क्या करें, मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ जिस तरह अभी यहाँ तो बनाया था मैंने, यहाँ ऊपर तो किया था हमने, यहाँ क्या किया कस्टमर्स की एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है और उस लिस्ट के अंदर उसको क्या करते गए, अपेंड कराते गए। मैं इधर भी ये कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ एक रिकॉर्ड्स की लिस्ट बना लेता हूँ एम्प्टी लिस्ट और यहाँ पे क्या बोलता हूँ भाई रिकॉर्ड को रिकॉर्ड्स में भेजते रहो, रिकॉर्ड्स की लिस्ट है उसको अपेंड करो और क्या क्या डालते रहो उसके अंदर, और रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड डालते रहो जो एक एक रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड, अब ये हमारे पास चला गया। अब मैं रिकॉर्ड्स की लिस्ट को चेक करूं, ये बात हुई सारी, पहले अलग अलग एक एक आइटम लिस्ट का दिखा रहा था, अब उसने सारी लिस्ट को उठा के एक और लिस्ट के अंदर जो है वो एक एक ये आइटम भेजा उसके अंदर, फिर दूसरा आइटम भेजा उस लिस्ट के अंदर रिकॉर्ड की लिस्ट में, फिर तीसरा आइटम ये भेजा रिकॉर्ड्स की जो इंडेक्स पे ये भेजा उसने 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा ये तो अभी हमने देख लिया टेक्स्ट फाइल को, हमने पहले देखा था सीएसवी को जो है ना वो कैसे लिखना लिखाना है सीएसवी में और कैसे लोड करना है देख लिया। अगली बारी जो है वो है JSON फॉर्मेट की। ठीक है, हम JSON फॉर्मेट में जो है वो कैसे लिखते हैं और ये JSON फॉर्मेट होता क्या है पहले तो ये समझ लें, किसी को मालूम है JSON फॉर्मेट क्या है? हाँ भाई बताइए, किसी को मालूम है?
जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन में खाते, दूसरी फाइल्स वगैरह मंगवाने के लिए यूज करते हैं इनको, जहाँ तक मैंने इनमें। अच्छा, उसमें जेसन जो है ये भी एक फॉर्मेट है, इसके अंदर डाटा, ये इसकी जो सिंटेक्स है ना वो बिल्कुल जस्ट लाइक हमारी, जिस तरह हमने पाइथन में डिक्शनरी पढ़ी है वैसा होता है, कॉपी डिक्शनरी होती है, लेकिन के अंदर जो वो कीज जो हैं वो इंटीजर हो सकती हैं, लेकिन वो जैसन के अंदर जब स्ट्रिंग कॉमास में अंदर कीज इंटीजर में नहीं हो सकती, बाकी वैल्यूज हो सकती हैं, वो मसला नहीं है। ठीक है, तो ज्यादातर जो ऑब्जेक्शन जो है ना, एक ऐसा कॉमन डेटा ऑब्जेक्ट बन चुका है, तो हर लैंग्वेज के साथ जो है अटैच हो जाता है। तो अगर हमें किसी दूसरे क्रॉस प्लेटफॉर्म से डेटा मंगाना होता है जो हमारे पाइथन के अंदर भी चले, या पाइथन से कहीं भेजना है किसी दूसरी लैंग्वेज, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पाइथन नहीं है, तो एक ऐसा फॉर्मेट जो सबको सपोर्ट कर रहा है वो जैसन है। ठीक है, वरना मुझे क्या करना पड़ेगा, वहां से इस फॉर्मेट में डेटा आ रहा है उसको पार्स करना पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में हमारी लैंग्वेज जो है वो उसको सपोर्ट कर रही हो। तो जैसन ऐसा भी दरमियानी मीडियम बन गया है जो हर लैंग्वेज अब जो वो सपोर्ट कर रही होती, इसलिए डायरेक्टली किसी भी लैंग्वेज से उससे बड़ा कॉमन जो है वो यूजेबल बन गया। पहले जावास्क्रिप्ट के लिए भेजना है तो जैसन इस्तेमाल होता है। ठीक है, होता ये बिल्कुल हमारी जैसे हमने डिक्शनरी पढ़ी है पाइथन में, सेम वही फॉर्मेट होता है, कर्ली ब्रैकेट्स, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू पेयर जो है वो इसके अंदर होता है। डिक्शनरी में बस सिर्फ ये फर्क होता है कि डिक्शनरी के अंदर जो है कीज जो है वो इंटीजर हो सकती हैं, जैसन में अगर इंटीजर होगी भी तो वो स्ट्रिंग शक्ल के अंदर ही होगी, नंबर अगर की बनेगा तो भी स्ट्रिंग की शक्ल में आ रहा होगा। ठीक है, करना क्या है हमने, जैसन जो है वो उस फॉर्मेट में जो है वो हमने डेटा को लिखना और राइट कराना। ठीक है, करना क्या है उसके लिए, अब हम सिंपली जिस तरह हमने इम्पोर्ट सी एस वी किया था, अब हम इम्पोर्ट जो है वो जैसन करेंगे। ठीक है, इम्पोर्ट जैसन किया, ये हमारे पास जैसन इम्पोर्ट हो जाना है। इम्पोर्ट होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इन्होंने इन्हीं की एग्जांपल ले लेते हैं, एक लिस्ट है एबीसी, हमारे पास लिस्ट आ रही है। इस लिस्ट को क्या किया अभी, विद ओपन अल्फाबेट लिस्ट जैसन, ये फाइल मैंने बनाई हुई नहीं है लेकिन मुझे पता है ये फाइल जो है वो क्रिएट, क्योंकि डब्ल्यू से हम ओपन कर रहे हैं इसको, हमने फाइल क्रिएट कर ली। उसके बाद अब मैं राइट कराने जा रहा हूँ जैसन डॉट डम, क्या कहूँगा मैं, जैसन डॉट डम। यहाँ पर जो राइट कराने के लिए फंक्शन है जैसन में डालने के लिए वो है डम। ठीक है, इंपोर्ट जैसन किया हुआ है, जैसन का डंप यूज किया और हमने कहा ये जो डेटा है ये अल्फाबेट लेटर डालने के लिए जो फाइल का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो एफ है। ठीक है, ये डेटा जो है ये हमने चलाया, डंप हो गया। ठीक है, अच्छा अब क्या है, हमने जैसन डॉट डंप करके डाल तो दिया, अब जैसन को हम क्या कराएंगे, रीड भी कराएंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है एक कस्टमर के नाम की क्या बना दी, डिक्शनरी करा दी, कस्टमर की हमने फाइल बनाई। तो ये फाइल बन रही है, ये डिक्शनरी पहले हमने डम कराया था एक लिस्ट को, अब हम डम करा रहे हैं, अभी हम देखेंगे ना, तो उसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा। ये हमारी जो वो एक डिक्शनरी है, ठीक है सर, डम्प मीन्स
डंप मतलब डंप उसका फंक्शन है उस फाइल में डेटा डंप कराने के लिए। डंप कहते हैं किसे, रखने को कहते हैं ना, फेंकने को कहते हैं, अरे डंप कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास डिक्शनरी, उसके अंदर की और वैल्यूज है। ठीक है, की वैल्यूज पहली बारी में हमने क्या किया, अल्फाबेट की लिस्ट की एक जैसन फाइल बनाई थी। इस दफा हम क्या कर रहे हैं, विद ओपन हमने यहाँ पे कहा भी कि भाई कस्टमर की वाली ले लेते हैं, इसी की फाइल बन रही है, जिसका डेटा है उसी की फाइल बन रही है, लेकिन फॉर्मेट क्या होगा इसका, डॉट जेसॉन। ठीक है, एज ऑब्जेक्ट कह दिया मैंने इसको। अब क्या करूंगा अभी मैं, वही जेसॉन डॉट डंप। डंप में क्या डालना है अभी, ये वाली डिक्शनरी डालनी। ठीक है, साथ में उसका ऑब्जेक्ट बताना है। तो इस पहले हमने लिस्ट करी थी, अब हमने क्या डम करा रहे हैं आपके पास। अच्छा, क्योंकि रीड बाय डिफॉल्ट होता है, तो उसको फाइल नहीं मिल रही, डब्ल्यू करूँ राइट कराने के लिए, तो ये राइट हो गई। ठीक है, हम जाके अपने पेज पे देखते हैं कि हमारे पास इन दोनों फाइल्स के अंदर जो अल्फाबेट वाली फाइल में क्या आया, ये लिस्ट आ रही है, और हमारे पास दूसरी इस फाइल में क्या आ रहा है, ये हमारे पास एक डिक्शनरी जो है वो उठ के आ गई। लेकिन अब ये डिक्शनरी नहीं है, ठीक है, जैसन डॉट जैसन फॉर्मेट में चली गई है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं उसको। दोनों जो हमारी लिस्ट और डिक्शनरी है, अब वो उसको हम लिस्ट और डिक्शनरी नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे हमने एक जैसन फॉर्मेट में डम कर दिए। अच्छा जी, हाउ टू रिट्रीव पाइथन लिस्ट और डिक्शनरी फ्रॉम जैसन फाइल। अब रिट्रीव कैसे करना है, ठीक है, हमने डाल तो दिया था जैसन मॉड्यूल के तहत जो है ना, पाइथन लिस्ट और डिक्शनरी को हमने डाल दिया था, यानी ये वाली हमारी जो डिक्शनरी थी हमने उसको राइट करा दिया। ठीक है, विद ओपन कस्टमर। अब क्या यूज कर रहा हूँ मैं, फाइल करना दिया मैंने, इसको क्या करना है, लोड करना है। तो डंप जो है वो राइट कराने के लिए हो गया, और हमारे पास जो लोड है वो हमारे पास क्या हो गया, रीड कराने के लिए। बाय डिफॉल्ट रीड करता है, इसलिए मुझे यहाँ रीड देने की जरूरत नहीं। ठीक हो गया, नहीं भी दूँ तो ये चलेगा। कस्टमर की डेटा को अब मैं कस्टमर इसको देख सकता हूँ, ये हमारे पास डेटा जो है वो रीड हो रहा। अच्छा, अभी हमें फर्क महसूस नहीं हो रहा है यार, ये तो पहले ही डिक्शनरी थी वैसे ही आ गई। ठीक है ना, इसकी टाइप भी जो है हम चेक करें कि क्या टाइप आ रही है, कस्टमर टाइप की। ठीक है, क्या आ रही है, अभी डिक्शनरी लोड होके आ रही है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आप कह रहे थे, अभी मसला नहीं है, शायद अच्छा, बाद में मसला होगा। मैं ये कह रहा था कि ये हमारे पास जो है वो डिक्शनरी है। ठीक है, अब मैंने डिक्शनरी को सेफ करा दिया। ठीक है, किस तरह सेफ करा दिया, अभी मैंने इसको यूं समझ लें कि डिक्शनरी को डिक्शनरी की फॉर्म में सेव करा दिया। अगर मैं क्या करता, इसको वैसे टेक्स्ट फाइल में सेव कराता, तो शायद इसकी टाइप जो है वो सारी की सारी क्या हो, टेक्स्ट होती, ये डेटा पूरा टेक्स्ट बन गया होता, जस्ट लाइक नॉर्मल हेलो हाउ वाला जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो टेक्स्ट बन जाता। लेकिन यहाँ जब मैंने इसको जैसन से राइट कराया है, ठीक है, तो ये मुझे नजर तो वैसे ही आ रहा है कि भाई ये जैसन से जो है ना यहाँ पर आ गया, लेकिन अब ये बेसिकली ये टेक्स्ट फॉर्म नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई, एक प्योरली डिक्शनरी की फॉर्म में आ गया। ठीक है, इसको अब मैं टेक्स्ट नहीं कहूंगा। इसी तरह जब मैंने इसको लोड कराया है, तो वो लोड भी हुआ है, तो वो जानता है कि उसने टेक्स्ट लोड नहीं किया, बल्कि क्या लोड किया है, डिक्शनरी लोड की है। आ रही बात समझ, अगर वो टेक्स्ट होता तो ये इसको इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रही थी, लेकिन अभी हमारे पास उसने सेव किया उसको डिक्शनरी फॉर्मेट में और लोड भी करके डिक्शनरी फॉर्मेट में। ठीक है, टेक्स्ट
से इसका डिफरेंस को जरा आप समझेंगे तो आपको बात समझ में आएगी कि हो क्या रहा है। व्यू करने में हमें कोई फर्क नहीं आ रहा, व्यू करने में हमें वैसे ही नजर आ रहा डेटा जैसा था, लेकिन टाइप्स के फर्क से जो है वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई सवाल है इसमें? जस्ट टू बी श्योर, आपने बेसिकली डिक्शनरी के फॉर्मेट में सेव कराया तो ऑब्वियसली डिक्शनरी रिटर्न करेगा वो, मतलब इसमें कंफ्यूजन क्या? हाँ, कंफ्यूजन ये थी कि अगर मैं इसको जेसन से नहीं फाइल जेसन से नहीं करता, डंप से नहीं करता, तो ये वर्क करता जस्ट लाइक टेक्स्ट, जैसे हम पिछली क्लास में पढ़ के आए, लाइक मैं इसी काम को यहाँ पर समझा गया। वो टेक्स्ट रीड होता और स्ट्रिंग उसका डेटा होता, और हमारे जेसन है तो वो अपने टाइप को संभाल सका है, अगर ये संभाल सका है। हाँ, संभाल ठीक, ओके ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आप लोग बता दें इनमें से अगर कोई टॉपिक जो है वो आपने रिवाइज करवाना है तो वो कर लेते हैं, वरना फिर हम जो है वो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो माइक्रोसॉफ्ट का जो एग्जाम है जो आप लोगों का अभी तक का टारगेट है कि उसको हमने अटेम्प्ट करना है, पास करना है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो उसके अंदर आते हैं, तो मैं फिर उनकी तरफ चला जाता हूँ अगर इसके अंदर आपको कोई इशू नहीं है इन सारी चीज़ों में। अगर कुछ रिपीट नहीं कराना है तो फिर हम उन टॉपिक्स की तरफ आ जाते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा एग्जाम है? माइक्रोसॉफ्ट का कौन सा एग्जाम है? माइक्रोसॉफ्ट का एग्जाम जो है वो ये कहलाता है, जो बेसिक एग्जाम है माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएट। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी एसोसिएट का जो एग्जाम है वो काफी लोग जो है वो पास कर भी रहे हैं माशाल्लाह, तो ये एक कुछ इसके सर्टिफिकेट्स हैं, इस तरह का होता तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपने पाइथन में जो है टेक्नोलॉजी एसोसिएट करनी है, किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं, सी शार्प में, जावा में, पाइथन में, जावास्क्रिप्ट में। तो विल यू हेल्प अस इन साइनिंग अप फॉर दिस और वी नीड टू साइन अप आवरसेल्फ और आप सिर्फ ट्रेन? आई विल हैंडल ऑल दी जितना भी स्टफ है उसकी रजिस्ट्रेशन से लेके एग्जाम कंडक्टिंग तक वो मैं करवाता हूँ खुद ही, तो बिस्मिल्लाह करें फिर। हाँ, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि एग्जाम जो है वो बड़ा डिफरेंट है। ठीक है, एग्जाम डिफरेंट क्यों है मैं आपको इसका जो है वो पहले दिखाता हूँ। सिलेबस ये है माइक्रोसॉफ्ट, ये हमारा एग्जाम कोड है पाइथन का। ठीक है, ये एग्जाम है। वैसे अभी मुझे पता चला है, लास्ट अपडेट आई है कि जून के बाद इसका नाम जो है वो टेक्नोलॉजी एसोसिएट से चेंज करके आईटी स्पेशलिस्ट कर दिया जाएगा, एमटीए हट जाएगा। एमटीए स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएट, वो अब ख़त्म होके जो है। अच्छा, ये इसकी आउटलाइन है एग्जाम की, ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ ताकि मैं आपको सिलेबस दिखा सकूँ कि क्या क्या है उसके अंदर, क्या आपने वो सब पढ़ लिया या नहीं पढ़ा है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए जो सबसे बेस्ट है इस वक्त वो ये है कि ये जो आपके पास सिलेबस, पहले मैं डाउनलोड मार दूँ कि मैंने सिलेबस टेक्स्ट तो देख लिया, मैं वापस आता हूँ। ये एग्ज़ाम जो है वो इसकी प्राइस US वालों के लिए $128 हैं, पाकिस्तान वालों के लिए जो है ना वो कोई $62 हैं। ये आजकल जो है वो मेरे पास जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है, ये एग्ज़ाम जो है वो कलर भी नहीं कहेंगे, $8-9 में हो रहा है सर। वो के बाद सस्पेंस आ गया था जी, वो के बाद गायब हो गए थे आप। मैं कह रहा हूँ कि ये यूएस में जो है ना अगर रजिस्ट्रेशन होगी तो $127 फीस है, पाकिस्तान में जो है वो $62 फीस है, लेकिन इस वक्त मेरे पास जो अभी चल रही है कुछ वॉचर्स जो आए हुए हैं
जो वो सिर्फ जो है टेस्टिंग सेंटर जो है वो हमें 1500 रुपीस का दे रहा है, ठीक है, लगभग $8 या $9, ठीक है। तो अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो वो जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि लिमिटेड टाइम ऑफर ही होगी। अच्छा मैं आपको दिखा रहा हूँ सिलेबस क्या क्या है इसके अंदर। सिलेबस जो है वो इसके अंदर ये है, परफॉर्म ऑपरेशन यूजिंग डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स। आप लोगों ने डेटा टाइप्स पढ़ी है, स्ट्रिंग पढ़ी है, बुलियन पढ़ी है, प्लॉट पढ़ी है, सारी डेटा टाइप्स पढ़ी है और ऑपरेटर्स भी पढ़े हैं आपने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्लैश डबल स्लैश। तो इसमें क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाएंगी इस सेक्शन में, इवेलुएट एन एक्सप्रेशन टू आइडेंटिफाई द डेटा टाइप, पाइथन विल असाइन टू इट को जो है ना एक्सप्रेशन दी जाएगी और इन द एंड पूछा जाएगा कि भाई इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है इन द एंड। तो आपको क्या क्या आना चाहिए, स्ट्रिंग का पता होना चाहिए, इंटीजर फ्लोट और बूलियन इन डेटा टाइप्स का पता होना चाहिए। फिर इस सेक्शन में जो है परफॉर्म डेटा एंड टाइप ऑपरेशंस, कन्वर्ट करना एक डेटा को दूसरी टाइप में, कंस्ट्रक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स, परफॉर्म इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑपरेशन। कंस्ट्रक्ट डेटा स्ट्रक्चर्स क्या, जैसे हमारे पास लिस्ट है, डिक्शनरीज हैं, ठीक है, ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये वाले और उसके ऊपर इंडेक्सिंग करनी, इंडेक्सिंग आपने पढ़ी हुई है, स्लाइसिंग आपने पढ़ी हुई है, ठीक है। डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन ऑपरेटर प्रेसिडेंस, जो आपके पास बोर्ड में रूल लगता है कि पहले क्या सॉल्व होगा फिर क्या सॉल्व होगा, जिसमें असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल टू वाला, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, आइडेंटिटी इज का ऑपरेटर जो आपने पढ़ा, इन ऑपरेटर जो आप फॉर लूप में यूज करते हैं या किसी वैल्यू को टेस्ट करने के लिए लिस्ट में है या नहीं, वैल्यू इन लिस्ट ट्रू या फॉल्स आता है, इज ऑपरेटर सबको याद है। अभी मेरी आवाज आ रही है, तो मैं पूछ रहा हूँ इज ऑपरेटर हमने पढ़ा था सर, आवाज तो आ रही है लेकिन याद नहीं आ रहा। अच्छा इज ऑपरेटर हमने पढ़ा था, जहाँ मैंने आपको बताया था कि भी ये अगर एक ही एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल में असाइन हो जाए तो फिर उसको चेक करते हैं कि उसका ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं, तो वो इज से चेक करते हैं कि ए इज बी, अगर दोनों का ऑब्जेक्ट सेम होता है तो वो ट्रू रिटर्न करता है। खैर अभी देख लें सिलेबस को देख लें पहले, फिर अगर हमें जब हम तैयारी कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह इसको पढ़ लेंगे। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑपरेटर अचीव द रिजल्ट, कौन सा ऑपरेटर लगाऊं कि रिजल्ट आ जाए, यही वाले ऑपरेटर इस्तेमाल होंगे उसके अंदर भी। तो ये एक सेक्शन है जिसके अंदर 20-25% क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आएंगे। एग्जाम के अंदर इस वक्त 38 क्वेश्चन आ रहे हैं, एग्जाम में 38 क्वेश्चन आपको करने होते हैं 40 मिनट्स के अंदर, टाइम बहुत शॉर्ट होता है और सवाल भी बड़े टेक्निकल होते हैं, लेकिन क्योंकि आप जब तैयारी कर लेंगे तो फिर आपको आसान लगने लगेगा, आप किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्या क्या उनका डिफिकल्टी लेवल है ये सब आपको इंशाल्लाह मैं समझा दूंगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और दूसरा सेक्शन है कंट्रोल फ्लो एंड डिसीजन लूप्स, 25-30%, यानी अगर 40 सवाल ले लें तो 40 में से 25% जो है वो 7 या 8 सवाल जो है वो ये वाले टाइप के हो गए। फिर 25-30% तकरीबन 10 सवाल जो है वो ये हो गए कंट्रोल के, जिसमें क्या क्या आ रहा है, इफ एल्स आ रहा है, नेस्टेड आ रहा है, कंपाउंड, कंडीशनल एक्सप्रेशंस, व्हाइल लूप, फोर, ब्रेक, कंटिन्यू, पास के कीवर्ड्स आप यूज करते रहे, नेस्टेड लूप, लूप्स, कंपाउंड एक्सप्रेशंस, डबल एक्सप्रेशंस, ठीक है। फिर उसके बाद 7-8 सवाल जो हैं वो यहाँ से आ रहे हैं, इनपुट और आउटपुट से, ओपन जब हमने पढ़ रहे थे जो टॉपिक, फाइल ओपन करना, क्लोज करना, रीड करना, राइट करना, अपेंड करना, चेक करना कि फाइल उस जगह पे है या नहीं, ये काम हमने नहीं किया है, ये करेंगे इंशाल्लाह। डिलीट करना, विद का स्टेटमेंट पढ़ा अभी, विद ओपन से आपने फाइल को ओपन किया था। कंस्ट्रक्ट एंड एनालाइज कोड सेगमेंट, कोड आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा, यानी बहुत सारा कोड की लाइनें जो है ना ब्लॉक्स में लिखी होंगी, आपको
ड्रैग एंड ड्रॉप करके उस सही सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ेगा कोड को, ठीक है। एंड परफॉर्म्स कंसोल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन। कंसोल से जो हम यूजर से इनपुट लेते हैं वो इसके अंदर क्या क्या है, रीड इनपुट फ्रॉम कंसोल, यूजर से कंसोल से इनपुट रीड करना, प्रिंट फॉर्मेटेड टेक्स्ट, स्ट्रिंग फॉर्मेशन हमने पढ़ा था डिटेल में, वो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स का इस्तेमाल किस तरह होता है, ये भी कमांड लाइन जो कंसोल से इनपुट देते हैं हम, इसके सवाल भी 7-8 हैं। डॉक्यूमेंट एंड स्ट्रक्चर कोड 3-4 सवाल इसके हैं, जिसके अंदर आपको इंडेंटेशन का पता होना चाहिए, वाइट स्पेसिस क्या होती है पता होना चाहिए, कमेंट्स कैसे लिखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन डॉक स्ट्रिंग मैंने आपको फंक्शन के अंदर लिखना सिखाया, ठीक है। जनरेट डॉक्यूमेंटेशन यूजिंग पाईडॉक, ये टॉपिक अब खत्म कर दिया, आता नहीं है इसका सवाल। पाईडॉक के थ्रू डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग जो है जनरेट करना, हम डायरेक्ट पाई डॉक्यूमेंटेशन लिखते हैं। कंस्ट्रक्ट एनालाइज कोर सेगमेंट इंक्लूड डेफिनेशन, फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन भी इसी में शामिल है। कॉल सिग्नेचर यानी पैरामीटराइज फंक्शन है, पैरामीटर लेस फंक्शन है, पोजिशनल आर्गूमेंट वाला सिग्नेचर आ रहा है, उसका डिफॉल्ट वैल्यूज आ रही है, ठीक है। रिटर्न का कीवर्ड है, डेफ का कीवर्ड है, पास का कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं फंक्शन में हम। इसी तरह आपने एक्सेप्शंस पढ़ी हैं, एनालाइज डिटेक्ट फिक्स कोड सेगमेंट दैट हैव एरर्स, इसमें सिंटैक्स एरर्स हो, लॉजिकल एरर्स हो, रन टाइम एरर्स हो, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली और रेज, ये सारे कीवर्ड आपने यूज करें। अच्छा मैंने तो यूज करा है, पता नहीं आपने किए नहीं किए, पढ़ाए ना सबने, प्रैक्टिस तो करिए ना। अच्छा ये जो आखिरी सेक्शन है इसमें एक दो सवाल आएंगे, परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन बिल्डिंग मॉड्यूल इस्तेमाल करना, इसके अंदर मैथ का मॉड्यूल है, डेट टाइम का मॉड्यूल है, आयो मॉड्यूल है, एक आध सवाल जो है ना, एक एक सवाल जो है वो इनका पूछ लिया जाता है, ओएस डॉट पाथ रैंडम और ये सॉल्व कॉम्प्लेक्स कंप्यूटिंग प्रॉब्लम बिल्डिंग मॉड्यूल, ये वाले मॉड्यूल से जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम भी कोई जो है वो बन सकती है, ये हमारा सिलेबस है, ठीक है। इनमें से मेरे ख्याल से 99% जो है वो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, क्या ख्याल है? सर ये एग्जाम के रिलेटेड एक ये सवाल था कि सर पासिंग मार्क्स कितने हैं या जो भी इनके क्राइटेरिया होता है इस टेस्ट को पास करने का, और सेकंडली पासिंग क्राइटेरिया। हाँ जी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो दोबारा देंगे फिर आप। अच्छा उसके लिए रजिस्ट्रेशन यानी कि दोबारा करनी पड़ती है आपको? हाँ क्योंकि अभी आप जब ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई नहीं थी, 1500 में जो एग्जाम अभी हो रहा है ये नहीं थी, तो फिर हम वो नॉर्मल तरीके से करते थे, उसमें भी मुझे डिस्काउंट मिला हुआ था, ये एग्ज़ाम जो है वो 6000 में हो रहा था, 6000 रुपीज़ में एक अटैम्प मिल रहा था, और अगर आप 9000 रुपीज़ पे करेंगे तो फिर आपको दो अटैम्प मिलती हैं कि पहली अटैम्प में फेल भी हो गए तो दूसरी अटैम्प में पास हो जाएंगे, लेकिन अभी 1500 में चल रहा है तो अगर आप पहली अटैम्प में फेल हो जाते हैं तो फिर आपको दोबारा 1500 पे करने पड़ेंगे दूसरी अटैम्प के लिए, ठीक है सर। अच्छा सर एक पासिंग स्कोर जो है 70% है। जी सर लास्ट लेक्चर में से सर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे कि सर ये जो हम एक्सेप्शन का जो सर काम कर रहे थे, एक्सेप्शन जो कीवर्ड यूज कर रहे थे उसमें सर ये पूछा था कि क्योंकि हम उससे एरर हैंडलिंग करते हैं एक्सेप्शन के की से, सर उसका जो है ना वो यानी कि प्रैक्टिकल यूज क्या है, अगर वो यानी कि अगर हम हर किस्म की एरर उससे हैंडल कर सकते हैं तो फिर जो प्रोग्रामर्स के लिए जो बग्स आते हैं किसी भी उसमें तो सर उसको सब फिर वो हैंडल कर लेंगे, या इसके लिए कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि इतना यूज हो सकता है यहाँ यूज हो सकता है? नहीं, अगर बात ये है कि अगर प्रोग्रामर को रन टाइम के ऊपर पता हो कि यूजर क्या इनपुट डाल के क्या एरर जनरेट करेगा तो वो मैं अगर होऊंगा या आप अगर होंगे तो आप उसको हैंडल जरूर करके रखेंगे, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यूजर से फॉर्म फिल करवा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ भाई यहाँ पर अपना नाम लिखो, अच्छा नाम मुझे पता है कि नाम स्ट्रिंग में होगा लेकिन कोई वहां पर एम्प्टी भी छोड़ सकता है, कोई वहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू डाल सकता है, ठीक है। तो जितनी पॉसिबिलिटीज हैं आपके जहन में आ रही हैं, ठीक है, आप उनको हैंडल करके रखेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है, अदरवाइज यूजर कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना।
आप जब यूजर है, मस्ट बी यूजर होल नंबर इन कैलकुलेशन, कैलकुलेशन में एज अ होल नंबर इस्तेमाल हो, इवन इफ द यूजर एंटर्स अ डेसिमल वैल्यू. लेकिन अब अगर डेसिमल वैल्यू को लेकर चले, ये डेसिमल वैल्यू वाली बात को, तो एक मसला है. यहाँ पे दिखाता हूँ मसला, ये हो गया, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने यूजर से जो है वो इनपुट लिया. How many items would you like? ठीक है, अब items would you like में अगर यूजर कह देता है अभी 6 items, ओके, कोई मसला नहीं. लेकिन अगर यूजर यहाँ पे वैल्यू डाल देता है डेसिमल में, फिर ये एरर आ जाता है. एरर क्यों आ जाता है? क्योंकि कोई गैस करेगा एरर क्यों आ रहा है? डेसिमल वैल्यू दिया जबकि इंटीजर लिया आपने, नहीं तो वो टाइप कास्ट होना चाहिए था ना. अगर मैं डेसिमल भी दे रहा हूँ तो टाइप कास्ट इंटीजर क्यों शो कर रहा है? तो एरर भाई इसलिए शो कर रहा है कि हमें पता है जब मैं यूजर से इनपुट लेता हूँ तो वो इनपुट बेसिकली क्या होता है? स्ट्रिंग होता है. ठीक है, इतनी बात मालूम है हमें. अच्छा, अब मसला ये है कि अगर मेरे पास इंटीजर में 6.5 हो और फ्लोट में 6.5 हो, मैं उसको इंटीजर में कन्वर्ट करूं तो वो कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाएगा. लेकिन अगर मेरे पास स्ट्रिंग में हो तो कोई स्ट्रिंग इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता. उसके लिए अगर ये कन्वर्ट सिर्फ इस सूरत में होता कि अगर ये नंबर इंटीजर होता तो इसके अगेंस्ट वो एक इंटीजर नंबर जो है वो एज इट इज मुझे मिल जाता, जैसे ये वाला मिल जाएगा, मिल गया. लेकिन 6.5 चूंकि फ्लॉट है, अब इस स्ट्रिंग को अगर वो लेके जाना चाहेगा इंटीजर में तो ये इसका स्ट्रिंग तो खत्म कर लेगा, लेकिन बात ये है कि ये इसको इंटीजर में इसका रिप्लेसमेंट तो नहीं है ना. तो फ्लॉट में अगर स्ट्रिंग होगा, फ्लॉट में स्ट्रिंग अगर फ्लॉट वैल्यू का होगा और उसको इंटीजर से टाइप कास्ट करेंगे तो वो नहीं कर पाएगा, वो एरर देगा. यही मसला यहाँ पर है. अब इन्होंने जो बात की है वो अलग ही बात है. उन्होंने कहा है वैल्यू मस्ट बी यूज्ड होल नंबर. अब अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर और यूजर यहाँ पे जो है ना फ्लॉट वैल्यू डाल देता है तो ये एरर आ जाता है. तो फिर क्या, तो फिर फ्लॉट ही रखे कि यूजर जो है वो अगर यहाँ वैल्यू जो है वो डाले, मैं इसको फ्लॉट में देता हूँ. अब यूजर स्ट्रिंग डालेगा, अपना इंटीजर डालेगा. ठीक है, इंटीजर डालेगा तो वो भी आपके पास चल जाएगी, बात ओके हो जाएगी. ठीक है, और अगर यूजर ने यहाँ पे फ्लॉट डाल दिया, ठीक है, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा. लेकिन एक चीज का ट्विस्ट ये है कि उन्होंने कहा है कि ये यूज होगा एज अ होल नंबर. इसकी वजह से मुझे ये बात थोड़ी समझ में नहीं आती. फ्लॉट अगर चला गया तो फ्लॉट फिर होल नंबर तो नहीं जाएगा, वो तो हमारे पास क्या जाएगा, डेसिमल के साथ साथ जाएगा. तो ये थोड़ा सा इसके अंदर गड़बड़ है. तो बहरहाल इसका इन्होंने बी आंसर दिया है और मैं भी ये कहता हूँ कि अगर एग्जाम में इस तरह का सवाल आ जाए तो आप बी ही सिलेक्ट करें. ठीक है, आप लोगों की क्या राय है इसके अंदर बताइए. वही सर, फर्स्ट आंसर तो मेरा डी था, लेकिन जब मैंने आंसर बी पढ़ा फिर मैंने कहा चलो बी होगा. क्योंकि थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मुझे भी है. अब ये आपके पास एक सवाल है, लेकिन हमारे पास टाइम है तो मैं आपको यहाँ पर एग्जाम पास करने के लिए टिप्स जो है ना भाई, देखो आपके पास सवाल आएगा ना, टाइम मैनेजमेंट जो है बड़ी जरूरी है
38 क्वेश्चंस हैं और 40 मिनट्स हैं, टू टफ, नॉट एन इजी टास्क. सवाल की नेचर देख लो आसान है, लेकिन एक मिनट के अंदर जवाब देना जो है ना वो भी कमाल है अभी इसके अंदर. अब मसला क्या है, जब भी आपके पास सवाल आएगा तो 95% सवालों में ये जो कहानी यहाँ लिखी हुई है ना, यहाँ पर ये जो कहानी लिखी है ऊपर क्वेश्चन वन का डिस्क्रिप्शन, ये फजूल है. इसको पढ़ने में ही आपके 10-15 सेकंड 20 सेकंड जो है ना पढ़कर समझने में जाया हो जाएंगे. आपने नहीं पढ़ना इसको, पहले पहली बारी पे नहीं पढ़ना. आपने फौरन जो है वो नीचे आना है, फ्रॉम बॉटम, बॉटम में जहां आपको ऑप्शन दिए गए हैं सिलेक्ट करने के लिए, आपने वो पढ़ना है. जब आप वो पढ़ेंगे तो उससे आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है, ताकि जब आप किसी कोड को ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि मुझे ढूंढना क्या है. ठीक है, अब मैं ये पढ़ता हूँ यहाँ पर भी कि ABC कंपनी हैज हायर्ड यू और फला चीजें, ठीक है, इंटर्न आर के लिए कोडिंग टीम, इसका कोई ताल्लुक नहीं सवाल. यू मस्ट राइट अ स्क्रिप्ट दैट आस्क्स द यूजर फॉर अ वैल्यू, ये छोटी जो लाइन है यहाँ से ये थोड़ी आपकी हेल्प कर रही है. तो मोस्ट ऑफ द केसेस ये लाइन भी आपकी हेल्प नहीं करी, सिर्फ इस सवाल के अंदर आ गई. अब जैसे यहाँ पे आ जाए, अब ये कह रहे हैं ड्यूरिंग हॉलीडेज यू वॉलंटियर एक्सप्लेन, अब ये फजूल में लिखा हुआ है. ठीक है, अच्छा अब क्या इस जो कोड लिखा हुआ इसको पढ़ू? नहीं, इसको भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पूरे कोड को भी पढ़ने की जरूरत नहीं, जब तक आप ये नहीं देख लेंगे कि मुझसे पूछा क्या जा रहा है. मुझसे पूछा जा रहा है यहाँ पे ये, आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द कोड सेगमेंट वन द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल इज ए इज स्ट्रिंग. पहला सेगमेंट चलाने के बाद जो डेटा टाइप आएगी वेरिएबल ए में, क्या वो स्ट्रिंग होगी? अब आप जाके देखें पहले कोड को, X1 स्ट्रिंग है, Y1 जो है वो 3 है, और स्ट्रिंग को इस X1 को Y1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. क्या ख्याल है आप लोगों, क्या डेटा टाइप आएगी A के अंदर? A के अंदर टाइप बताइए. एरर आएगा, टाइप तो नहीं आएगी. एरर आएगा, टाइप तो नहीं आएगी. देखिए ये यही चीज जो है ना, ये एग्जाम के अंदर बड़ा तंग करती है. देखो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, पाकिस्तान, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 times, क्या बन गए? 2 times पाकिस्तान हो गए. ठीक है, तो एरर नहीं है, तो इसकी डेटा टाइप क्या आ रही है? स्ट्रिंग ही आ रही है. ठीक है, तो पहले कोड सेगमेंट चलने के बाद डेटा टाइप क्या स्ट्रिंग होगी? यस. दूसरा क्या है? दूसरा सेगमेंट चलने के बाद डेटा टाइप बी में क्या फ्लोट आएगी? आ जाओ बी में आ जाओ. X2 6 है, Y2 4 है, और दोनों डिवाइड हो रहे हैं और सिंगल स्लैश से डिवाइड हो रहे हैं, तो आंसर हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट में आता है. डबल स्लैश से हो रहे हैं तो चांस है कि आपके पास आंसर जो है वो इंटीजर में आएगा, अगर दोनों इंटीजर वैल्यूज है. ठीक है, तो यहां पर तो फ्लोट हो गई, ओके हो गई. तीसरे में क्या पूछा? आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द कोड सेगमेंट 3 द डेटा टाइप विल बी C, variable C is int, C में क्या int होगा? 2.5 divided by 1, single slash लगा हुआ है, integer नहीं हो सकता, float ही answer आएगा, चाहे ये दोनों खुद भी integer क्यों नहीं होता, ये मैंने बहुत शुरू क्लास में हमने पढ़ा था. तो ये बाकी दो तो सही है, ये वाला नो हो जाएगा. ठीक है, अच्छा अब देखें, गौर करने की बात देखें, हमने सवाल को कहाँ से पढ़ा है? पहले जो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं वहां से रीड किया है और हमने ऊपर जाके ढूंढा है उनको. अब अगर मैं सवाल को यहाँ से पढ़ना शुरू करता, अच्छा पहले ये पढ़ता मैं 2 lines, ओके समझ में आ गई, फिर मैं ये कोड सेगमेंट पढ़ता, अब मुझे पता कोड सेगमेंट तो पढ़ रहा हूँ मैं, लेकिन मैं बेमकसद पढ़ रहा हूँ कि मुझे इसमें ढूंढना क्या है मालूम नहीं और मैं कोड पढ़े जा रहा हूँ बिला वजह. ठीक है, वो टाइम जाया होगा आपका और वो टाइम हमें बचाना है. ठीक हो गया, अच्छा ये कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन जो है, अब ये ऊपर कितनी लंबी लाइन लिखी है, 1, 2, 3 lines ये लिखी है, इसको मिला लें, चलो 3 complete lines लिखी है. पढ़ने के बाद आप यहाँ पर आ रहे हैं, आप इसको यहाँ यूज करें कि भाई आपको इसके नाम से नजर आ रहा है, बॉर्ड मैस वाले तरीके पूछना चाह रहे हैं, पहले क्या चीज सॉल्व होगी, पैरेंथेसिस, फिर पावर, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, आपने उसको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके सही तरतीब में लिख देना है.
वहाँ से उठा के पैरेंथेसिस आएगा, एक्सप्रेशन सॉल्व होगा, पहले क्या क्या सॉल्व होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर। अच्छा, हर चीज के बाद यहाँ एक्सप्लेनेशन और रेफरेंस दिया हुआ है, आप इस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे तो ये टॉपिक आपके सामने खुल जाएगा। इफ़ यू फील एनी कन्फ्यूजन तो आप इस टॉपिक पे ऊपर क्लिक करके जो जा सकते हैं, ये आपको वहाँ रीडायरेक्ट कर लेगा कि भाई ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस पे ले आया आपको, ठीक है, कि पहले क्या क्या चीज़ें सॉल्व होती हैं। तो हर सवाल के बाद जो है रेफरेंस टॉपिक जो है वो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फोर आ गया, मैं फोर के सवाल के लिए ऊपर पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ पर आ गया, सिंपल डेटा टाइप का सवाल है। अब सोचो खाली डेटा टाइप का सवाल है और इसके लिए मुझे 6 लाइनें पढ़नी पड़ जाए, तो ये सवाल जो है वो 1 मिनट का नहीं है, ये सवाल जो है 5 सेकंड का है, जो आपने जल्दी जल्दी कवर करना है। वो जो आप 55 सेकंड हैं वो बचाने हैं आपने किसी भी बड़े सवाल के लिए, ठीक है। इस तरह यहाँ आ गए, इन्होंने 2 वैल्यूज जो है इनपुट लिए और ये आपसे पूछ रहे हैं अभी कौन सा वाला फॉर्मेट जो है वो सही है, जल्दी देख के बताएं आप लोग। हाँ जी, जवाब समझ में आया जी? आ गया। क्या बना? आ तो गया लेकिन 50-60 सेकंड तो लग गए थे। बी है, बी है, ठीक है। बी क्यों हो गए? पहले दोनों यहाँ से वैल्यू जो आ रही है वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, तो पहले माइनस होने के लिए, डिफरेंस निकालने के लिए कि आप कितने साल पहले आपने जॉब ज्वाइन की थी और आज कितने साल के हैं, तो डिफरेंस निकालने के लिए दोनों को माइनस करना पड़ेगा। माइनस करने के लिए दोनों इंटीजर्स को माइनस कराना पड़ेगा, माइनस करा दिया, लेकिन साथ साथ प्रिंट के अंदर स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करना है, तो जो रिजल्ट आएगा उसको वापस क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इंटीजर जो है वो स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकता। अच्छा जी, ए में 11 है, बी में 14 है, कौन सी एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, उस एक्सप्रेशन को उसके सामने ले जाके रख देना, ठीक है। ए में 11 है और बी में 4 है, तो 2 इसका रिजल्ट क्या आएगा, a/b। फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन है, 100% आंसर जो है वो फ्लोट में आएगा, तो क्या होगा भाई, 2.75। और डबल स्लैश लगा हुआ है, इंटीजर डिवीजन है, 4 जब 11 को डिवाइड करेगा तो डेसिमल पार्ट डिस्कार्ड हो जाएगा, सिर्फ आ जाएगा 2। और ए मॉडुलस बी, 4 जब 11 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचेगा 3, तो इसका जवाब 3 हो जाएगा। ये भी छोटा सवाल है, फौरन करना है, क्विकली इसको रेस्पॉन्ड करना है और आगे बढ़ना है। यहाँ पर आ जाए, ये कह रहे हैं भाई आपने क्या करना है, द फार्मूला बी में एक वैल्यू इनपुट आ रही है, उसको ई वैल किया जा रहा है, ई वैल उसको नंबर में कन्वर्ट कर देता है, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, द फार्मूला इज डिस्क्राइब्ड एज, अब बी का फार्मूला क्या है, बी का फार्मूला है कि ए मल्टीप्लाई बाय -1, ए मल्टीप्लाई बाय -1 देन रेस्ट टू द सेकेंड पावर, पहले ए को -1 से मिटाई करो, उसकी 2 पावर ले लो, तो अब वो कैसे बनेगा भाई, इधर सेगमेंट में -1 से मिटाई करना है ए को, और 1 तो है नहीं, माइनस है, तो माइनस ए लिखो या -1 ए लिखो, बात देखिए, तो माइनस ए फिर उसके ब्रैकेट लग जाएंगे, वो पावर जो है वो 2 लग जाएगी। तो इसका आंसर हमने दिया बिल्कुल इस तरह से। ये आ गया एक्सप्रेशन सॉल्व करके आंसर निकालना, बताइए भाई 8वें सवाल।
क्वेश्चन नंबर 8 कुछ आया जवाब आया कहाँ चले गए पहले हमारे पास सी होगा सी होगा पहले पावर सॉल्व हो जाएगी इसकी 2 के पावर 2 4 फिर ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ये हो गया 12 इधर आ जाएंगे ब्रैकेट सॉल्व हुआ 1 + 2 ये हो गया 3 अब 3 पहले 3 से मल्टीप्लाई हो या पावर सॉल्व होगी हमें पता पावर पहले सॉल्व होगी तो 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 और 27 में से ये वाली साइड का 12 जब माइनस होगा हमारे पास आ जाएगा 15 ये क्या कह रहे 200 एम्प्लॉइज की लिस्ट है आक्सपनी की मैनेजमेंट के लोग हैं आपको स्लाइस करना है इस तरह के एक्सक्लूड हो जाएं वो लोग मैनेजमेंट के लोग शामिल ना हो इसके दो आंसर चूज करना है जल्दी से बताना है अभी 200 को इस तरह स्लाइस करूं कि आखिरी 5 रह जाएं शामिल ना हो लास्ट 5 आर कंपनी मैनेजमेंट एम्प्लॉइज दे आर टू बी एक्सक्लूडेड तो कौन सी दो स्लाइस बेहतर रहेंगी वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं शोर नहीं करें वेयर इज माय मोबाइल हो गया कौन सा समझ में आ रहा है ई जीरो से लेके -5 तक चले ये भी तो हो सकता है ना बी भी तो हो सकता है ना एमटी से लेके -5 तक जाना एमटी का मतलब भी तो क्या होता है जीरो इंडेक्स ही होता है ना अगर एमटी लेफ्ट साइड पे तो जीरो इंडेक्स एमटी राइट साइड पे है तो लास्ट इंडेक्स यानी -1 इंडेक्स ओके ठीक तो ये हो गए अब ये कह रहे हैं एबीसी कंपनी छोड़ देंगे एबीसी कंपनी को अच्छा आपने इनपुट लेना है यूजर से स्पीड कैलकुलेटर है डिस्टेंस का इनपुट लेना है और एक लाइन का इनपुट लेना है बस और कोड में कुछ नहीं करना और यहाँ इन्होंने कहा अभी यू मस्ट क्रिएट अ फंक्शन दैट क्लियर एवरेज वेलोसिटी टू देयर व्हीकल्स 1320 फुट 1/4 mile track, the output must be as precise as possible. Precise कब होता है जब हमारे पास values जो होती हैं वो floating में होती हैं floating का मतलब है कि ज़्यादा value select करेगा ज़्यादा करीबी answer आएगा तो अब हम क्या कर सकते हैं precise करने के लिए हम क्या क्या data types select करें distance में integer string float आ रहा है और time में इंटीजर स्ट्रिंग फ्लोट आ रहा है जी क्या कहते हैं भाई बड़ा कमाल किया हाँ भाई प्रिसाइज करना है शोर नहीं करो भाई जाइए लॉजिकली तो फ्लोट फ्लोट होना चाहिए लेकिन आंसर में इंट फ्लोट है अच्छा लॉजिकली फ्लोट फ्लोट होना चाहिए लेकिन इन्होंने अरे इनके आंसर पे तो नहीं जाया करें फिर भी हम कोई रीजन देखते हैं कि इन्होंने इंट क्यों लिया है पढ़ते हैं शायद कोई ऐसा रीजन हो जो इंट ले रहे हो हमें ना समझ में आ रहा हूँ इनका भी
यू मस्ट क्रिएट अ फंक्शन दैट कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ देयर व्हीकल्स ऑन 1320 फुट यानी 1/4 माइल ट्रैक. ठीक है, 1320 फुट लंबा ट्रैक है. The output must be as precise as possible. Or input integral distance traveled in feet. Distance traveled in feet. तो feet हो गया. तो distance हो भी सकता है. Decimal में कोई मसला नहीं है. और ये single divide कर रहे हैं यहाँ पे. Time ले लिया. मेरा भी ख्याल है float float ही सही है. ठीक है, आगे चलते हैं. ये देखें क्या कह रहा है. मैथ्स का मॉड्यूल इस्तेमाल किया. मैथ्स के मॉड्यूल में कुछ फंक्शंस हैं. ये कह रहे हैं फ्लॉट वैल्यू पास की गई है. फंक्शन जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू ले फ्लॉट की. एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, उसकी साइन जो है वो अगर माइनस है तो वो साइन जो है वो हटा दी जाए. प्लस की तो प्लस ही रहे ना रहे, नेगेटिव साइन को ख़त्म कर देता है. दूसरी कंडीशन बताइए, अगर डेसिमल पॉइंट है उसमें इंटीजर के बाद तो वो डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाना चाहिए. इसके भी दो आंसर हैं. अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए तो ये वाला जो एफ एब्स का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल हो जाएगा. हम इसको चला के भी देख लेते हैं. जो मैथ्स का मॉडल देखा था, x के अंदर मैं कोई वैल्यू डाल देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ -12.5. तो ये हमें सॉरी मैथ इंपोर्ट करना पड़ेगा. इंपोर्ट मैथ. ठीक है, तो इसने एब्सोल्यूट ने क्या किया, इसकी नेगेटिव जो साइन थी उसको हटा दिया. आगे उन्होंने कहा कि भाई डेसिमल पार्ट ऑफ इंटीजर मस्ट बी रिमूव. डेसिमल पार्ट रिमूव एक्सपोनेंट्स तो नहीं होता. दो हमारे पास फंक्शन है, फ्लोर और सील. ठीक है, फ्लोर क्या करता है कि फ्लोर जो है ये हम इसको जो भी वैल्यू देंगे, फ्लोर का मतलब जमीन होती है ना, तो मैं इसको यूं याद रखता हूँ कि वैल्यू नीचे की तरफ ले आएगा यानी कम कर देगा. यानी अगर मैंने इसको 12.9 भी दिया तो ये देखेगा कि मेरे पीछे जो है वो लास्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी है. ये अपने पीछे देखेगा, लास्ट इंटीजर वैल्यू यकीनन 12 होगी. यानी मेरे पीछे जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो कौन है, 12 है. तो ये फ्लोर जो है उसको क्या कर देगा, 12 कर देगा. और मैथ डॉट सील जो है क्या करता है, ये इसको आगे की तरफ देखता है नेक्स्ट इंटीजर कौन सा है. तो 12 के बाद नेक्स्ट इंटीजर जो है वो यकीनन 13 होता है. सवाल में हमसे पूछा गया, सवाल में कहा कि भाई इंटीजर पार्ट मस्ट बी रिमूव्ड. ये नहीं कहा गया कि राउंड ऑफ कर देना या इंटीजर पार्ट इस तरह रिमूव करोगे वैल्यू चेंज हो जाए. नहीं, तो इंटीजर पार्ट तो बेसिकली जो है वो इसने रिमूव किया कि ये इंटीजर पार्ट हटा दिया, वैल्यू जो है डेसिमल पार्ट जो हटा दिया और इंटीजर वैल्यू जो है वो दे दी. तो फ्लोर एक ऑप्शन हो गया और दूसरा जो है वो एब्सोल्यूट है. ठीक हो गया, तो इन्होंने लिखा हुआ है सी और ई सही लिखा हुआ. यहाँ पर रेफरेंस भी दिए हुए, तो यू कैन फ्लोर रिटर्न द लार्जेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स. हाँ, लार्जेस्ट सब उसके पीछे देखता है. सर फ्लोर में अगर मोर देन वन डेसिमल पॉइंट्स हो तो फिर उसको एंड तो नहीं बनाएगा, वो तो नेक्स्ट डेसिमल वैल्यू को चेंज करेगा. फ्लोर में यहाँ पर क्या करें, आगे एक दो डिजिट्स और लिखते हैं. अब चेक करें वही रहेगा. ये अपने पीछे देखेगा, 12 से आगे चला गया ना, ये अपने पीछे देखेगा कि इंटीजर वैल्यू कौन सी छोड़ के आया हूँ, पहली इंटीजर कौन सी है मेरे पीछे. पीछे गर्दन घुमाएगा, 12.9 या समथिंग जो भी देखेगा, 12 है तो 12 हो गया. ये अपने आगे देखेगा कि अगली मेरी नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू कौन सी आ रही है.
वो ले लेगा, यानी ये डाउनवर्ड कर देगा आपके वैल्यू को कम कर देगा, फ्लोर है ना नीचे की तरफ, सील है छत की तरफ, तो ऊपर की तरफ ले जाएगा, यूं याद रखता हूं मैं तो। तो फ्लोर और सील दोनों करेक्ट आंसर्स हैं? नहीं 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 नहीं, सवाल में देखिए क्या उन्होंने कहा है कि डेसिमल पॉइंट्स आफ्टर इंटीजर मस्ट बी रिमूव्ड, ठीक है, इंटीजर के बाद डेसिमल पॉइंट रिमूव करने, और डेसिमल पॉइंट रिमूव दोनों ने किए, लेकिन इसने वैल्यू को चेंज कर दिया ना भाई, उसने ये तो नहीं कहा था, उसने कहा था मैं तुम्हें ये वैल्यू दे रहा हूँ इसके डेसिमल पॉइंट रिमूव कर दो, आप बोले मैंने रिमूव कर दी, ये लोग बोले यार ये तो मेरी वैल्यू नहीं थी भाई, वैल्यू तो ये थी ना, तो इसके हटाने से तो क्या बचेगा, 12 चाहिए ना फिर इसका मतलब रिमूव करके, ठीक है ठीक है। अच्छा जी ये हो गया, मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, चंद सेकंड्स के सवाल हैं ये, टाइम सेव करने वाले। इंपोर्ट math.sqrt इंपोर्ट sqrt फ्रॉम math, फ्रॉम math इंपोर्ट करें sqrt और उसका नाम स्क्वायर रूट रख दें, ठीक है, यही तरीका होता है फ्रॉम math, यूं लिखते हैं math के मॉड्यूल में से फ्रॉम math इंपोर्ट, कोई फंक्शन यूज कर लेता हूं मैं cost, ठीक है इंपोर्ट हो जाता, इसका नाम चेंज कर सकता हूं मैं एज सी, चलने इन्होंने यहां पर किया भी फ्रॉम math इंपोर्ट sqrt एक फंक्शन है, उसका नाम पूरा कर दिया इन्होंने स्क्वायर रूट, ये तो हम खुद स्पेलिंग लिख रहे हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। सही तरीका ये कि पहले मॉड्यूल का नाम आता है, फिर उसके अंदर से जो चीज इंपोर्ट की जा रही है वो आता है, और उसका एलियस आखिर में आता है, ठीक है। अच्छा जी ये सवाल देखें, चलें इसका जवाब आप लोगों ने देना है अभी। रैंडम नंबर जनरेट होता है, लेकिन वो रैंडम नंबर जो जनरेट हो वो कम से कम 5 हो और ज्यादा से ज्यादा 11 हो, इससे ज्यादा नहीं आए, जो भी नंबर आए वो ना 5 से छोटा हो ना 11 से बड़ा हो। दो आंसर हैं इसके, जल्दी सिलेक्ट करें। अच्छा क्योंकि रैंडम आपने पढ़ा नहीं इसलिए मैं ही बता देता हूँ, रेंज आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, रेंज के आपके यहाँ दो ऑप्शन दिए हैं 5-11 और 5-12-1, 5-11-1। देखो रेंज के अंदर क्या होता था कि ये हमेशा जो एक्सट्रीम वैल्यू है उससे एक कम चलता है, अगर मैं 11 ले लूंगा तो 11 तो शामिल ही नहीं होगा, 10 होगा, इन्होंने कहा है कि 11 हो सकता है, 11 हो सकता है, तो फिर मुझे इसको 12 तक की रेंज देना पड़ेगी ताकि 11 तक ये चल सके, इसकी लिमिट जो है वो 11 तक हो जाए, तो एक ऑप्शन तो जो है वो सी हो गया। दूसरा ये वाला नहीं हो सकता क्योंकि 11 तक, इधर आ जाओ रेंड इंट में, अच्छा इंट में ये इंट है, रेंज के अंदर ये मसला होता है कि वो एक्सट्रीम वैल्यू जो है लास्ट वो शामिल नहीं होती, लेकिन इंट के अंदर होती है, अगर इंट में 11 लिखा हुआ है तो दिस 11 इज इंक्लूडेड, तो 11 तक ही चलाना है तो यही सही है, अगर 12 तक चला दूंगा तो इंट में तो 12 भी आ जाएगा, रेंज में नहीं आएगा लेकिन इंट में आ जाएगा, तो बी और सी जो है वो बिल्कुल सही वैल्यूज है, एक वैल्यू ऐसी जनरेट करेगा जो कम से कम 5 होगी, ज्यादा से ज्यादा 11 होगी या उसके दरमियान होगी। अच्छा जी ये ओएस का मॉड्यूल जो है ये आपने नहीं पढ़ा हुआ है, इसके थोड़े छोटे छोटे से फंक्शन है, ये एक कह रहे हैं कि इस कोड को आपने अरेंज करना है, जैसे हमने सिलेबस में देखा ना अरेंज कंस्ट्रक्ट द कोड, अब ये सही कोड जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है कि भाई कौन सी लाइन पहले आएगी आपके ख्याल में, बताइए भाई।
विद से स्टार्ट होना चाहिए, विद से स्टार्ट हो गया, विद ओपन फाइल नेम आ गया, रीड कर दिया एज फाइल आ गया। अच्छा अब एक मसला है, ये वाली लाइन कहाँ लिखूंगा, कर इफ ओएस पाथ इज फाइल फाइल नेम, के इस पाथ के ऊपर ये वाला फाइल नेम है या नहीं है। अगर मैं पहले विद लिखता हूं और इसको अंदर लिखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इफ की कंडीशन तो बाद में बताएगी फाइल है या नहीं, विद वाला तो पहले ही एरर दे शो कर देगा अगर फाइल नहीं होगी तो। क्या ख्याल है सर? या तो एल्स में ले लें विद ओपन, ये हो सकता है कि हम क्या करें विद ओपन पहले इफ वाला कॉन्टेक्स्ट ले लें, अगर फाइल है नहीं एल्स पे ले नहीं सकते ना, क्योंकि फिर हमें रीड भी तो कराना है उसको, रीड करने के बाद ही तो कंटेंट आएगा। तो मेरा ख्याल है पहले विद ओपन आएगा, विद ओपन वो आएगा इफ आएगा, इफ के ब्लॉक में फिर वो विद में जाएगा, अगर फाइल होगी तो ओपन करने चला जाएगा और रीड कर लेगा, ठीक है, एल्स जो है वो रिटर्न नन कर देगा, अगर फाइल नहीं होगी तो रिटर्न नन कर देगा। इन्होंने क्या लिखा हुआ, इन्होंने विद के अंदर जो है वो इफ लिखा हुआ है। अच्छा ये आप लोग अपने पास कॉपी करके चला के एक बार इसको देख लीजिएगा कि भाई किस कंडीशन में सही चल रहा है, कि इफ अंदर आना चाहिए या विद ओपन इफ के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये भी फाइल रीड का है, एक इन्वेंट्री आपको कॉमा सेपरेटेड फाइल दी हुई है 100 200 500 1, और अब मुझे इसको रीड कराना है। ईच लाइन ऑफ द फाइल मस्ट बी रीड एंड प्रिंटेड, हर लाइन जो है वो क्या होगी, जरूर रीड हो और प्रिंट हो। एक तो ये है, जो भी फाइल रीड करा रहा हूँ उसकी हर लाइन रीड होनी चाहिए और प्रिंट होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है इफ अ ब्लैंक लाइन इज इनकाउंटर्ड, अगर रीड करते हुए उसको नजर आए कि ब्लैंक लाइन है तो फिर उसको इग्नोर कर दे, इस तरह रीड करें, और जब ऑल द लाइंस हैव बीन रीड द फाइल मस्ट बी क्लोज, जब सारी लाइंस रीड हो जाएं तो फाइल जो है वो क्लोज कर दी जाए। अब उसके लिए एक कोड लिखा हुआ है, सिर्फ लाइन नंबर 5 और 6 पर से कोड गायब है, आपको कौन वो ABCD कौन सी वाली लाइन जो है इस्तेमाल करनी चाहिए कि कोड जो है वो पूरा हो जाए। ठीक है, अब ये सवाल थोड़ा सा आपको तो सोचने में टाइम भी लगेगा, पढ़ने में भी टाइम लगेगा, तो वो जो आपने छोटे सवालों में टाइम सेव किया था वो यहाँ कंज्यूम होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने वो टाइम जल्दी जल्दी हमने वहां पे सवालों के जवाब निकाले। तो सबसे पहले क्या इन्वेंट्री से ओपन फाइल करी उसने, ठीक हो गया। अभी ओपन फाइल करने के बाद क्या हुआ जी, ओपन फाइल करने के बाद क्या सीन दिखाया, एंड ऑफ फाइल एक वेरिएबल बनाया फॉल्स का, व्हाइल एंड ऑफ फाइल फॉल्स, अगर एंड ऑफ फाइल फॉल्स है तो जाओ भाई इन्वेंट्री जो हमारा कंटेंट आया है हैंडलर है उससे बोला भी रीड लाइन करके, एक एक लाइन रीड करके ला रहा हूँ, लाइन में आ गया। अब लाइन को चेक कर रहा हूँ, अगर लाइन जो है नॉट इक्वल टू स्लैश एन यानी एम्प्टी लाइन ना हो, और दूसरा ऑप्शन है अगर लाइन जो है वो या स्ट्रिंग दिया हुआ है खाली हो, ये सही लग रहा है। अच्छा इफ लाइन नॉट इक्वल टू स्लैश एन एंड इफ लाइन नॉट इक्वल टू नन, इफ लाइन नॉट इक्वल टू दिस और दिस। अच्छा हमारी कंडीशंस क्या क्या पूछी थी इसने, हर लाइन जो है वो रीड होनी चाहिए और अगर ब्लैंक लाइन आ जाए तो इग्नोर होनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि
ब्लैंक लाइन जब नहीं होगी तो ठीक है वो लाइन पे आ जाएगा। ए सही आंसर है, आप लोगों का क्या ख्याल है? सर ए तो सही है लेकिन डी भी सही लग रहा है, अगर उसको नेक्स्ट करेक्टर नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट लाइन भी नहीं होगी, डी डी डेल्टा। ये इन दोनों में थोड़ी सी जो है वो आ रही है। तो फिर अब आपने क्या करना है, ये कोड को लिखना है, ये दोनों लाइनें फिट करके आपने ये वाली फाइल CSV आप बना के रख लें, इसको रीड करा के जो है चेक करें कि भाई कहाँ, थोड़ा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका दिमाग भी ज़रा इसमें चलने लगेगा। ये आसान सा सवाल है, व्हाट इज योर नेम, प्रिंट नेम, नेम प्रिंट कराओ तो कौन सी वाली लाइन आएगी, लाइन नंबर 2 पे। इनपुट नेम, इसमें ब्रैकेट नहीं लगे हुए, इनपुट नेम इसमें वेरिएबल ही नहीं है, इनपुट नेम ऐसे नेम, तो ये डी वाला जो ऑप्शन सही है कि इनपुट दे देंगे उसमें जो भी इनपुट आएगा वो नेम के वेरिएबल में जाएगा और वो वेरिएबल जो हम यहाँ पर लाइन नंबर 3 पे प्रिंट करा रहे हैं। इन्होंने बी आंसर लिखा हुआ है, टोटली गलत है। ये आगे भी, इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट मस्ट बी क्रिएटेड एंड इफ द फाइल हैज कंटेंट द कंटेंट मस्ट बी रिमूव्ड। कौन सा वाला है भाई? रीड और राइट टेक्स्ट डेटा दोनों काम कराने, रीड और राइट आर प्लस भी करता है, डब्ल्यू प्लस भी करता है। फाइल एग्जिस्ट ना हो तो क्रिएट हो जाए, ये आर नहीं करता, ये डब्ल्यू करता है। सी ऑप्शन ठीक है। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि भाई ये लाइन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 द कोड अटेम्प्ट्स टू रीड इवन फाइल द थ्री विच थ्री लाइन्स, इन्होंने कहा कौन सी तीन लाइनें हैं जिनमें इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है। कोड में कोई मसला नहीं, कोई सिंटेक्स एरर नहीं सिवाय इंडेंटेशन के, यानी इंडेंट सही नहीं हुआ है, सिर्फ ये मसला है। आपको इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भैया इस फाइल लगा हुआ है, ऑन ओपन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, क्या हो रहा है, बस ये देखो कि इंडेंट का प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है। हाँ भाई, इंडेंट का प्रॉब्लम जो है वो यहाँ से शुरू हो रहा है, लाइन नंबर 6 पे। ये डेफिनेशन फंक्शन बनाया हुआ है, लाइन सही लिखी, इफ का ब्लॉक सही लगा, इफ के ब्लॉक में ये लगाया, रीड कराया, डेटा ओपन फाइल कराया आर से और हैंडलर उसका डेटा बन गया। अब वाइल नॉट लाइन नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, ये इफ के अंदर ही होना चाहिए और जब ये अंदर जाएगा तो लाइन नंबर 6, 7 भी इंडेंट होगी आगे और प्रिंट लाइन भी जो है वो आगे इंडेंट होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो इसको एक बार टाइप करके जरूर चेक करिएगा। तो 5, 6, 7 जो है वो तीन लाइनें हैं जहां पर इंडेंट का प्रॉब्लम है। द क्वेश्चन रिकॉर्ड टू रेडो, अच्छा पूरा कोड लिखा हुआ है। अच्छा देखो, अब वही बात है कि मुझे कोड पढ़ने की अभी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता ही नहीं क्या पूछा, मुझे ये लाइन पढ़ने की, देखो जरा पूछ क्या रहा है। ये कह रहे हैं out.txt फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, ये फाइल जो वो ओपन करना चाह रहा है ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये फाइल जो है एग्जिस्ट नहीं करती। ओके, यू रन द कोड, आपने कोड रन किया, द कोड विल एग्जीक्यूट विदाउट एरर, कोड बगैर एरर के चल जाएगा। द कोड विल एग्जीक्यूट विदाउट एरर, रिव्यू द अंडरलाइन टेक्स्ट, अच्छा ये ठीक है, इफ इट मेक्स स्टेटमेंट करेक्ट सेलेक्ट नो चेंज इज नीडेड। अगर आपको लगता है कि ये बात सही कह रहा है कि कोड जो है वो चल जाएगा विदाउट एरर, तो आप सिलेक्ट कर लें आंसर कि इस कोड में किसी चेंज की जरूरत नहीं है। इफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट अगर आपको गलत लग रहा है कि नहीं जी एरर आएगा, तो फिर आपको अपना जवाब चुनना है कि कौन सा वाला ऑप्शन है। ठीक है, तो अब ट्राई ब्लॉक में हमने रखा हुआ, अगर ये फाइल नहीं भी एग्जिस्ट करेगी आउट डॉट वाली फाइल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास,
डब्लू प्लस उसको क्रिएट कर देगा। अच्छा, और अगर इन डेप्थ टेक्स्ट वाली फाइल वो नहीं एग्जिस्ट करेगी तो वहां पे एक्सेप्शन आ जाएगी। एक्सेप्शन भी हमने आयो एरर लिखाई हुई है। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि चल जाएगा सीधा सीधा, क्योंकि इन डॉट टेक्स्ट की तो बात ही नहीं करी उसने, सिर्फ आउट डॉट टेक्स्ट की बात करी है। वो फाइल अगर नहीं भी होगी तो वो क्रिएट हो जाएगी क्योंकि डब्लू प्लस लगा हुआ है। क्या कहते हैं आप लोग? सही कह रहा हूं मैं? वो जवाब दीजिए भाई। सर कह तो सही रहे हैं आप, लेकिन बस यही परेशानी हो रही है कि ये 50 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, तो मैंने आपसे इसीलिए तो कहा ना, आप छोटे छोटे डेटा टाइप के सवालों में और एक्सप्रेशन सॉल्व के सवालों में अपना टाइम सेव करें ना भाई, कि इसको अगर 3 मिनट चाहिए तो आपके पास 3 मिनट हो इसके लिए सेव आपने किए हैं कहीं पर। अगर आप उन सवालों में टाइम लगा देंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, अभी कमेंट्स के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? अभी हैश साइन लगाते हैं। अब ये ऐसा सवाल है ना, अब इसके अंदर अगर आप कहेंगे नहीं मैं इसमें भी 30-40 सेकंड लगाऊंगा तो भाई ये नुकसान है ना। ये आप 4-5 सेकंड में करें और आगे बढ़ जाएं, अपने 50 सेकंड बचाएं जो आपने कहीं और इस्तेमाल करने। अब ये सवाल बड़ा है, टेक्निकल भी है। लाइन नंबर 1 से लाइन गायब है और लाइन नंबर 4 से गायब है। अभी लाइन नंबर 1 और 4 पे आपने कौन सा कोड लिखेंगे? तो नेम इनपुट लिया जा रहा है, तो गेट नेम का फंक्शन लगाऊं। अच्छा, इसको रीड, इसको चलाऊंगा कैसे? मैं देखूंगा कि फंक्शन कॉल कहाँ हो रहा है। फंक्शन कॉल हो रहा है लाइन नंबर 10 पे, गेट नेम। उस फंक्शन का नाम पता चल गया, क्या नाम है? गेट नेम है। ठीक है, गेट नेम हो गया। अब गेट नेम में कोई पैरामीटर आएगा बाइकर का, क्योंकि नेम तो इनपुट ले रहा हूं मैं और रिटर्न नेम कर रहा हूं, तो बाइकर का पैरामीटर तो मुझे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाइकर इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, और ना नेम जो है मुझे पैरामीटर से चाहिए और यहाँ से भेजा भी नहीं जा रहा। तो इसका मतलब जो है वो कौन सा फंक्शन हो गया? ये ए वाला हो गया। लाइन नंबर 4 पे आ जाए। 4 पे जब आया हूँ तो अब 4 पे इन्होंने कहा अभी कैलकुलेट कैलोरीज का फंक्शन है। अब वही बात है कि कॉल कहाँ से हो रहा है? कॉल हो रहा है, ये हो रहा है कैलकुलेट कैलोरीज। इसको दो चीजें जा रही हैं, डिस्टेंस जा रहा है और बर्न रेट जा रहा है। और यहाँ देखो कौन सा कैलोरी का फंक्शन है, दोनों चीजें ले रहा है, ये माइल्स ले रहा है और बर्न रेट ले रहा है। अच्छा, अब चूंकि बर्न रेट यहाँ से जा रहा है और वहां बर्न रेट में ही कैच हो रहा है, तो क्या ये कैच वाली वैल्यू इस्तेमाल करी? नहीं भाई, नहीं, उन्होंने यहाँ जो वेरिएबल इस्तेमाल किया है वो कैलोरीज पर माइल इस्तेमाल किया है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से जाने वाला बर्न रेट कैलोरीज पर माइल में जा रहा है। बात समझ में आई? लॉजिक समझ में आई? तो इसका मतलब ये एफ जो है वो सही हो गया, ए और एफ हो गया। इन्होंने भी ए और एफ लिखा है। ओके, तो आपने ये एक फाइल तो सॉल्व कर लीजिए मुबारक हो, जिससे आपको आइडिया हो गया होगा कि सवाल जो है वो किस किस्म के हैं और क्या चीज़ें हैं। लिंक मैंने आपको दे दिया है, आप उसको सॉल्व करें। नहीं समझ में आए, स्क्रीन शॉट लें, तस्वीर खींचें, मुझे भेज दें, सर इस सवाल को ज़रा एक्सप्लेन कर दें। कोशिश करें कि खुद टाइप करके भी जो है ना चेक करें, ताकि आपकी पाइथन की भी प्रैक्टिस हो और कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर हो। कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर एंड करते फिर इंशाल्लाह। 3 सवाल हैं। यस, एक तो ये कि व्हेन इज द नेक्स्ट एग्जाम डेट, दूसरा ये कि हम आपसे रابطہ करेंगे कि सर नुमान से रابطہ करेंगे फॉर द पेमेंट ऑफ दिस एग्जाम। अच्छा, वो आप मुझे बता देंगे, मैं आपको जो है ना डिटेल भेज दूंगा कि आपने क्या प्रोसेस करना है। ओके, तो शेड्यूल हो जाएगा। और तीसरा ये आजकल आजकल एग्जाम भी जो हो रहे हैं वो एग्जाम फ्रॉम होम हो रहे हैं, घर से बैठ के हो रहे हैं, तो आप लॉग इन करेंगे अपने सिस्टम पर, एग्जाम शुरू करेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कोविड की वजह से एग्जाम फ्रॉम होम कर दिया गया। ठीक है, डन, ठीक हो गया। और किसी का क्वेश्चन?
ठीक है, डॉक्टर नवान है हमारे साथ क्या? चलें फिर एंड करते हैं। जी नासिर भाई, जी जी अच्छा, मैं ये कह रहा था इनको बता दें कि फाइनल एग्जाम होगा फिर इनका जो है ना जो इसी हफ्ते जो है इंशाल्लाह क्विज जो है आपका, ताकि जो है आपके 100 में से जो है जो भी मार्क्स बन रहे हैं वो आपको पता चल जाए। ठीक है, राइट स्टूडेंट्स, और थैंक यू वेरी मच, फिर जो है इंशाल्लाह रबते में रहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।